आनंद सदगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी मेहरबान अली इंसान गाजियाबाद से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई दीपन जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। और सदगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, जो भी आप देश विदेश में आश्रमों में नाम चर्चा घरों में पंडालों में बैठे हुए हैं, तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप प्रेम पूर्वक सभी अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो पंडालों से बाहर हैं वो भी पंडालों में आ जाएं। पूजा गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बाबा बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी पिया
हाय तूने मेरे खाने निगाहों में छुपा रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना बंदनबाजी है करम तेरा के मुझ गुनाहगार को चरणों से लगा रखा है, मुझ गुनाहगार को चरणों में छुपा रखा है। मेरे साथी मेरे साकी तेरे दर पे धूमती है।
بلکہ یہ کہوں گا کہ تینوں عالم کی حقیقت کیوں کیونکہ وہی تھے وہی تھے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اللہ اللہ کیا مزہ داتا کہ میں کھانے میں اللہ اللہ کیا مزہ داتا حقیقت ایک پیمانے میں ہے دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے حور میں مستی کہاں جو تیرے مستانے میں ہے حور میں مستی کہاں جو تیرے مستانے میں ہے میں وہ جنت میں کہاں میں وہ جنت میں کہاں جو تیرے میں کھانے میں میرے ساقی شراب کون سی ہے میرے ساقی یہ بتا دے شراب کون سی ہے ساقی یہ بتا دے وہ شراب کون سی ہے کون سی شراب شرمت نے جس کو پی لیا منصور نے جس کو پی لیا میرا نے جس کو پی لیا کبیر صاحب نے جس کو پی لیا گرو نانک دیو نے جس کو پی لیا امیر خسرو خواجہ معین الدین صابر پیا جس کو پی لیا کیوں نہ تو جام ہے نہ شہبا نہ شعور میں کشی ہے شہبا نہ شرور میں کشی ہے جو پلائی ہے نظر سے پلائی ہے نظر سے میرے شاہ مستانہ جی پیا جو پلائی ہے نظر سے وہ شراب کون سی ہے شہنشاہ تر کیر کا سوالی بیٹھے بیٹھے تر کیر کا سوالی نہ بنا ہنسی اڑے گی تر کیر کا سوالی نہ بنا ہنسی اڑے گی میرے شاست نام جی پیرو مرشد والی دو جہاں ترے گیر کا سوالی نانا نہ بنا ہنسی اڑے گی مجھے لوگ تانا دیں گے مجھے لوگ تانا دیں گے مجھے لوگ تانا دیں گے ترے گیر کا سوالی اے میرے پیرو مرشد نہ بنا ہنسی اڑے گی مجھے لوگ تانا دیں گے مجھے لوگ تانا دیں گے ارے تیرے گھر میں کیا کمائیں مجھے لوگ تانا دیں گے
मुझे कम नहीं है इसका के सुकून छिन गया है, मुझे कम नहीं है इसका के सुकून छिन गया है, मुझे कम नहीं है इसका के सुकून छिन गया है, मुझे कम नहीं है इसका के सुकून छिन गया है, मेरे बाबा बलोचिस्तान पिया है, मुझे कम नहीं है इसका इसका के सुकून छिन गया है, आहा मुझे दर्द देने वाले, मुझे दर्द देने वाले, मुझे दर्द देने वाले तेरा दर्द जिंदगी, मुझे दर्द देने वाले तेरा दर्द जिंदगी है, मुझे दर्द देने वाले ऐ मेरे मुर्शिद प्यारे, मुझे कम नहीं है इसका के सुकून छिन गया है, मुझे कम नहीं है इसका के सुकून छिन गया है, मुझे कम दर्द देने वाले, मुझे दर्द देने वाले तेरा दर्द जिंदगी है, मुझे दर्द देने वाले तेरा दर्द जिंदगी है, तेरे दर्द से आज दाता न उठूं हाथ खाली, तेरे मुझे दुनिया जानती है ये सारी संगत जानती है, ये मेहरबान साबुरी है, सराफ़ादीद बनकर हसरते दीदार में आए, सराफ़ादीद बनकर हसरते दीदार में आए, जिसे फूलों में रहना है वो इस गुलजार में आए, जिसे फूलों में रहना है वो इस गुलजार में आए, जो बेटा बेदम बनना है तेरी सरकार में आए, बेटा बेदम बनना है मेरी सरकार में आए, खुदा जिसको ना मिलता है, आए हाय जिसको मिलता है, खुदा ना जिसको मिलता है वो इस दरबार में आए, मुझे तो जानती है मेरे बार के साबरी है, मेरे साबिर मेरे साकी ये बता दे वो शराब कौन सी है, मेरे साकी मेरे साकी मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी
है जिस पी के सारी दुनिया जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूम धनन सतगुरु तेरा ही आसरा भाई दीपन जी इंसान भजन सुना रहे हैं धनन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु तेरा ही आसरा गुरु पास रहे या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं आठों पहर गुरु का ध्यान रहे सच्चा प्रेम इसी को कहते गुरु पास रहे या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं आठों पहर गुरु का ध्यान रहे सच्चा प्रेम इसी को कहते गुरु पास रहे या दूर रहे दिल में गुरु का प्यार होए जब दिल में गुरु का प्यार होए आँखों में सूरत बस जाती गुरु प्यार की डोरी से बंद कर प्रेमी हर दम खींचे रहते गुरु पास रहे या दूर रहे ध्यान बछड़े में रखती है सुन ध्यान माया का करता है गुरु ध्यान में प्रेमी रहते गुरु पास रहे या दूर रहे
मालिक के तन ले लिए गुरु प्यार मालिक के मिलने लिए गुरु प्रेम ही पहली पौड़ी है तन मन देश का हो करके प्रेमी मस्त बेफिक्रे रहते हैं गुरु पास रहे या दूर रहे बस ध्यान गुरु का होता है काम काज बात ना अच्छी लगे शस्त नाम जी प्रेमी कहते गुरु पास रहे या दूर रहे नजरों में समाए रहते हैं आठ पहर गुरु का ध्यान रहे सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं गुरु पास रहे या दूर रहे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी देश के कोने कोने में विदेशों में आप नाम चर्चा घरों में आश्रमों में सत्संग से जुड़े हुए हैं सत्संग सुन रहे हैं ऑनलाइन ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से और पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप दुनिया के कोने कोने में जो लाइव जुड़े हुए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसका लिंक आगे के आगे शेयर करते रहें ये भी आपकी सेवा बनती है और प्रेम पूर्वक इसी प्रकार जुड़े रहें बैठे रहें सभी से प्रार्थना है किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिकी सजनवा जी प्यारी सत्संग जी दूर दराज पूरे वर्ल्ड में आप आज जुड़े हुए हैं आप सबको उस परम विदा परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब से आशीर्वाद मांगते हैं दुआएं मांगते हैं आप सबके लिए और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं आशीर्वाद तो गुरु जी का एक भजन सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम जी महाराज का बड़ा किया कसूर प्रभु समझा है दूर मन माया ने तुझे किया मजबूर मन देता सबको धोखा ना बाहर किसी ने देखा वो सबके अंदर बैठा नाम ध्याले वो सबके अंदर बैठा दर्शन पाले वो मालिक वो अल्लाह वो वाहिगुरु वो गॉड ओम हरि राम ईश्वर श्याम अरबों नाम है उसके पर वो कण कण में है हमने हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा आपको रोज बोलते कि नजरिया अलग अलग होता है पढ़ने का हमारा नजरिया बेपरवाजी ने ऐसा बना दिया शास्त्र नाम श्यामस्थान दाता रहबर ने पढ़े कम लेकिन जितना पढ़े नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे साइंस में भी बड़ी रुचि थी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से तो 5 साल के जुड़ गए थे सतगुरु जी से सो उन्होंने बोला कि जो भी पढ़ना है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ना तो हमने पाक पवित्र वेदों को पढ़ा पाक पवित्र कुरान शरीफ को पढ़ा पाक पवित्र गुरबाणी को पढ़ा यानी बहुत सारे संत महापुरुषों की पवित्र रचना को पढ़ा लगभग सब कुछ कॉमन है सब कुछ सेम है कहने का अंदाज अलग है पानी को जल कहने से वाटर वाशर आब नीलू नीरू कितने भी नाम हैं क्या पानी का स्वाद जरंग बदलेगा कभी नहीं बदलता
उसी तरह अलग अलग भाषाओं में उस शक्ति के नाम अलग अलग हैं, पर वो ना कभी बदला था, ना बदला है और ना कभी बदलेगा। वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। उस जैसा ना कोई हुआ था, ना हुआ है, ना कोई होगा। तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है वो, हर जगह में है। अगर वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो आपका शरीर तो बहुत बड़ा कण है, बहुत बड़ा जर्रा है। तो इसका मतलब वो अंदर रहता है, अजी रोम रोम में रहता है वो, पर आपकी निगाह नहीं पड़ती है ना, हैरानीजनक बात। वो आपके अंदर आवाज दे रहा है कि मेरी आवाज सुन लो, तू जाके बाहर आवाज दे रहा है कि तू मेरी सुन ले। बड़ी अजीबोगरीब दशा हुई पड़ी है इंसान की। सर्वधर्म की बात कर रहे हैं हम, साफ लिखा है, मन मंदिर तन बेस कलंदर गढ़ी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसते है बहुर जन्म ना आवा। दिमाग में, विचारों में है वो, दिल में है वो, और शरीर रूपी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में वो बैठा हुआ है। और एक शब्द उसे अलग अलग आवाज कही गई है, तो वो मालिक की आवाज। हिंदू धर्म में धुन, सिख धर्म में अनहद बाणी या तुर्की बाणी, इस्लाम धर्म में बांगे इलाही कलमा पाक, और ईसाई धर्म में गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। भाषा बदलने से क्या फर्क पड़ता है, मतलब एक ही है कि उसने आपके अंदर एक आवाज छोड़ रखी है। अगर उसके अंदर फॉलो करोगे तो उस तक पहुंच जाओगे, पर आपके कानों में तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, दूसरों की टांग खिंचाई, ठगी, बेईमानी, इसकी मोहरें लगी हुई हैं जम के। तो दूसरी तो आवाज सुनाई देती ही नहीं, जो खुद के अंदर चल रही है उसकी तरफ तो निगाह जाती ही नहीं। कैसे उस तक निगाह को लेके जाएं? ध्यान एकाग्र करना होगा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा, नाम शब्द, उसका अभ्यास करना होगा। क्या है ये कलमा, क्या है ये नाम शब्द, क्या है ये मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, गुरु मंत्र, क्योंकि पुरातन शब्द यही मिला हमें, कम से कम 12,000 साल पुरानी पाक पवित्र वेद, उनमें हमने पढ़ा, पर उससे भी वो पुरातन है, तो इसलिए पुरातन शब्द की पहले व्याख्या करना चाहते हैं, बाकी की अपने आप आ जाएगी। गुरु मंत्रा, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश होता है, गु रू, ये शब्द जुड़ने से बनता है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे। मंत्रा शब्द युक्ति मेथड, यानी गुरु जो मालिक के शब्दों का खुद अभ्यास करता है, उससे उसे जो अनुभव होता है वो उसे दुनिया को दे, उसे कहा जाता है गुरु मंत्रा, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, नाम शब्द। पर वो गुरु का मंत्र नहीं होता, कहीं आपको भ्रम हो, वो मंत्र होता है उसी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का, परमात्मा का। अब आप लोग बैठे हैं, आपको आदमी आदमी कहें, इंसान इंसान कहें, क्या आप में से कोई उठेगा? किसी का भी नाम ले दें, झट से खड़े हो जाओगे। उसी तरह आज के युग में, आज के दौर में देवताओं को, फरिश्ताओं को भी लोग मालिक मानने लग जाते हैं, भगवान कहने लग जाते हैं। तो इसलिए उस ओम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड, एकंकार ओम, यानी ये सारे एक ही नाम है, अलग अलग लगते जरूर हैं, यानी वो एक शक्ति का
नाम क्या है, उसको बाई नेम पुकारना ही गुरु मंत्र है, कलमा है। तो संत पहले अभ्यास करते हैं। कोई भी गेम है उसका कोच चाहिए, कोई भी पढ़ाई स्कूलों में कॉलेजों में करवाई जाती है उसके लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए। क्या आपने कोई स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है, यहां टीचर मास्टर नहीं है, किताबें पढ़ी हैं, लोग जाते हैं पढ़ लेते हैं और पढ़ के डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, है कोई ऐसा? नहीं है ना। अरे ये तो दुनियावी पढ़ाई है, जो लिखा है या तो वो इतिहास है या प्रैक्टिकली लाइफ में दिखता है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब, उस तक जाने का मार्ग तो दिखता ही नहीं, वो खुद भी सामने होते हुए भी नजर आता ही नहीं, क्योंकि आंखों के आगे पर्दे आए हुए हैं आपके, जैसे मोतिया बिंद हो जाता है। एक झिल्ली सी होती है सफेद रंग की, वो जो आंखों का बिल्कुल सेंटर है, जिसे स्टार बोलो तारा बोलो कुछ भी कहो, उसके आगे आ जाती है, तो दिखना धुंधला हो जाता है। वो जितनी मोटी होती जाती है परत, दिखना उतना ही कम हो जाता है। तो जरा सा कट लगाते हैं और उसको निकाल के बाहर कर देते हैं, मोतिया का ऑपरेशन हो गया। तो संतों ने लिखा है कि आज की दुनिया को मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, घट में दिखे नहीं, लाण तैसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद, कि अंदर होते हुए भी नहीं दिखता, अंदर उसकी आवाज चलते हुए भी नहीं सुनती, तो मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। कोई तो टीचर लेक्चरर चाहिए जो संत पीर पैगंबर के नाम से मशहूर है, जिन्हें फकीर कह लो, संत कह लो, पीर कह लो, जो सही रास्ता दिखाए। पीर संत फकीर का मतलब यह नहीं होता कि आपको सुना के और बदले में झोली फैला ले कि मुझे भी डाल। अरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम दाता था, दाता है और दाता रहेगा। अगर वो दाता है तो उसका फकीर मंगता कैसे हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप कर्म करके खा सकते हैं तो हाथ पैर हमारे भी, हम कर्म क्यों नहीं कर सकते भाई, किसने रोका है कर्म करने से? कर्म करके खाओ, मेहनत की, हक हलाल। हम संत दूसरों को शिक्षा दें और खुद बैठे बैठे रगड़ते रहें, ये कहां लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? चलो हम आपसे मांगे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे, 100 रुपए आप हमें दे दें, 20 हम ले लें, 80 उस तक पहुंचा दें, फिर तो थोड़ा सा जायज बात लगती है। वहां यहां तो 100 का 100 खुद रगड़ जाना है, क्या ये सच्चाई नहीं? कड़वी लगेगी बातें आपको, लेकिन सच तो सच रहता है। अरे वो तो दाता है, दाता मंगता नहीं है। सारे धर्मों में पुकार पुकार के कहा है कि मालिक के मंगते बनो। अगर आप मालिक को ही देने चले जाते हो तो वो सोचता है यार इसके पास पहले ही फालतू है जो मुझे देने आ रहा है, इसको और देने की क्या जरूरत है? तो इसलिए ना तो संत लेते हैं सच्चे, और ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने तो लेना ही क्या है, वो तो दाता है रे, जो हमें बना सकता है, क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? सोचिए जरा। तो कहने का मतलब आप के अंदर वो होते हुए भी आप उसे बहुत दूर समझते हैं, ये आपकी नादानी है, या यूं कहिए काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के पर्दे हैं, या यूं कहिए कि आपकी अज्ञानता है। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए ही संत पीर पैगंबर इस धरती पे आते थे, आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। ये थोड़ा ना कि एक मास्टर आया था वो स्कूल में पढ़ा गया और बाद में अपने आप ही किताबें पढ़ के लोग पास हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज आदमी इस दुनिया में अपने आप सीख रहा है। अब ठगी मारने के कितने स्कूल हैं जरा बताओ, चुगली करने के, निंदा करने के कितने के स्कूल हैं? हैं कोई स्कूल कॉलेज? नहीं है ना। बुरे कर्म करने के कहीं स्कूल हो, कत्लो गारत मचाने के कहीं स्कूल हो, बहुत रेयर ये चीजें मिलेंगी आपको। अपने आप सीख रहा है इंसान,
बुराई का ये दौर चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं, शैतान का युग कहते हैं, कि इसमें उसकी शक्तियां ज्यादा हावी हैं, ज्यादा छाई हुई हैं, इसमें उसकी बातें सीखना आसान है, उसकी बातें अपने आप सीख जाते हैं। बातें नहीं सीख पाते तो उस परमपिता परमात्मा की, उस मालिक की, उस राम की। इसलिए संत पीर फकीरों को आना ही पड़ता था, आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। वो कोई ये नहीं होते कि वो कोई अपनी मान बढ़ाई करते हैं, नहीं। संतों का कहना होता है, जैसे कबीर जी ने लिखा है कि कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा सोए। अरे भाई, संत तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम भी आपको हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। आपका नौकर भी हमें अगर कहेगा, हुक्म देगा कि मालिक से दुआ करो, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसके लिए दुआ ना करें। हम होते कौन है? क्योंकि हमारी ड्यूटी है। आपका छोटा सा परिवार होता है, आप उसको पालने पोसने में कितना समय लगाते हैं? आप कुछ घर के मुखिया हैं, घर के हेड हैं, आपकी जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारी है ना, फर्ज। उनका पेट भरना, पैदा आपने किए तो एक बार तो करना पड़ेगा ना, उनको उनके पैरों पे खड़े करना, तो आप ये सब करते हैं। तो आप अपने 2, 4, 5, 7 बच्चों के लिए, परिवार के लिए जिम्मेवार हैं। संत फकीर जितनी मालिक की औलाद है उसको अपनी औलाद मान के उसकी सेवा करता है, चाहे कोई उसको गालियां दे दे, चाहे कोई उसको बुरा कहे, वो उसके लिए आशीर्वाद ही देता है। बात पे बात ख्याल में आ गई, कई बार आपको सुनाई भी है कि एक संत थे, एक पीर फकीर थे, और वो जंगलात में रहा करते थे। उन्होंने देखा नहीं था लोगों को रहते हुए, देखे नहीं थे शहर कस्बे, पर उनकी आदत थी, वो ओम हरि अल्लाह मालिक की रजा को बड़ा मानते थे। कोई बात होती बड़ी तारीफ करते थे, वाह मालिक। पेड़ देखते थे, यार एक पेड़ दूसरे से मिलता ही नहीं, आप भी कभी ध्यान देना इस बात पे। आदमी आदि हो जाता है, यानी आपके घर में गुलाब के फूल लगे हैं, 5-7 दिन तो आपको खुशबू आएगी, रोज गेट के आगे लगे हुए हैं, 10-15 दिन में कम आने लग जाएगी, और 2 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपके घर के आगे फूल भी लगे हुए, आते जाते कभी नजर पड़ गई नहीं तो नहीं। पर ध्यान देके देखो, ये डिजाइन किया किसने है? अलग अलग पेड़, अलग अलग सांचा है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग गुण अवगुण है। पेड़ पौधे देख लो, वनस्पति देख लो, और छोड़ो दो सके भाई, और छोड़ो दो जुड़वा भाई के भी दोनों के हाथों के निशान नहीं मिलते। ये डिजाइन करने वाला है कौन? खून एक, मां एक, बाप एक, एक ही टाइम में पैदा हुए, नसीब अलग अलग है ना गजब। कोई तो होगा जिसके पास ये सांचा है कि एक जैसा नहीं बनाना, कमाल है। तो वो संत इसलिए मालिक की जो भी कोई चीज देखते थे कहते थे, वाह मालिक तूने कमाल कर रखा है। तो एक बार वो शहर की तरफ आ गए। अब आए जैसे अंदर तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे मकान हैं और अच्छी अच्छी हवेलियां बनी हुई हैं। तो वो वह कह रहे हैं, अरे वाह मालिक तेरा बंदा कमाल है, गजब कर रखा है मालिक, क्या बनाया तूने बंदे को। यूं तारीफ करते 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 हर चीज की, साइकिल मिला या उस समय घोड़ा गाड़ी मिली, जो भी दिखा, यार कमाल है मालिक तेरा, गजब कर रखा तूने। इतने में क्या देखा, एक बहन एक बेटी छत पे बाल सुखा रही थी, तो वो निगाह ऐसे सब कुछ देखता 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 उसने निगाह मारी, और उधर से क्या हुआ, उस बिटिया का यूं सिर झटकाना हुआ। अब बाल केस पीछे चले गए और चेहरा सामने आया, कहने लगा, वाह मालिक सुना करते थे हूरें जो हैं, परियां जो हैं, वो स्वर्ग में रहती हैं, पर तूने तो यहां भी उतार रखी हैं, वाह मालिक कमाल कर रखा है तूने। अब उस बिटिया ने, उस औरत ने शोर मचा दिया, ये संत सुदाई हो गया, मेरे पे गलत निगाह डाल रहा है, मुझे गलत बोल रहा है, लोग इकट्ठे हो गए। तो लोगों ने उसको घेर लिया,
कह लेंगे भाई तू क्यों गलत बोला, कह लेंगे सुनो भाई मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो अपने मालिक की उपमा कर रहा हूं कि वह मालिक तेरा कमाल है, तूने जो परियां सुना करते थे हूरें सुना करते तूने तो धरती पे उतार रखी हैं, गजब है तेरा। लोग शांत हुए कि वाकई गलत तो कुछ बोला नहीं है। इतने में एक आदमी आता है और दाड़ दाड़ दो तीन उसके थप्पड़ मार देता है। संत कहते वाह मालिक ये भी तेरा कमाल है। पर फिर कहने लगे रे भाई तू है कौन, ये सारे तो खड़े हैं मेरी बात सुनी, तूने तो बात ही नहीं सुनी आके सीधे धर दिए। कहने लगा मैं उस औरत का मालिक हूं। कहता अच्छा 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 वाह मालिक देख लो ये उसका मालिक है। इतना कह के संत चुप हो गए। अब वो आदमी वापस हुआ, बाहर सीढ़ी लगी हुई थी, चढ़ा अपनी घरवाली के पास जाने के लिए, अब दूसरी मंजिल थी या जो भी था, लास्ट सीढ़ी पे चढ़ा पैर फिसल गया और घूमता हुआ नीचे आया, आती गर्दन टूट गई। औरत ने शोर मचा दिया, संत जादूगर है मेरे पति को मार दिया। नीचे आ गई भाग के, पति को उठाया, गाड़ियां देने लगी, लोगों ने रोका कहते खबरदार हम पास खड़े संत ने कुछ नहीं किया। ये तो बेचारा जाने को तैयार था तो कहने लगे क्यों आपने कुछ नहीं किया। कहता है हे बेटी हे बीबा सुनो मेरी बात। कहते हाँ। ये कौन था जो गुजर गया। कहती मेरा मालिक, तो इसने मेरे आगे थप्पड़ जड़ दिए। कहते हाँ। कहता है फिर मेरा भी कोई मालिक था उसने कर दिया। ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो भाई अगर सच में आप उसको पालें, सच में अंदर से महसूस कर लें, अरे जो दुनिया को बनाने वाला है क्या तेरे घर में कमी छोड़ देगा, बताइए तो सही, क्या तुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो भक्त हो आप सारे चुगली निंदा ना किया करो, किसी का बुरा ना किया करो, किसी को बुरा मत बोला करो, उस पे छोड़ा करो कि मालिक तू जान तेरा काम जाने, हम तो तेरी प्रजा हैं, हम तो तेरी रियाए हैं, बस इतना मांग लिया करो कि सबको सद्बुद्धि बख्श, सबको नेक अकल बख्श, फिर वो जाने उसकी मर्जी क्या करता है क्या ना करे, वो तो उसकी रजा है, उसको तो कौन रोके। तो इसलिए भाई एक तो ये कसूर है आपका कि आप अपने अंदर वाले को बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उसको अंदर महसूस कीजिए, यकीन मानिए वो मिलेगा। और दूसरा कि आप जो लंपट हुए पड़े हैं दुनियावी चीजों में, अगर उसको अपना बना लोगे, अरे ये चीजें तो आपके आगे पीछे घूमेंगी, बात ही कुछ नहीं। बनाने वाला आपका हो गया, अगर राजा आपका हो गया तो उसका साजो सामान क्या पीछे रह जाएगा, विचार तो कीजिए। और फिर एक है मन, नफ़्स शैतान, नेगेटिव पावर। मन दिमाग में जो गंदे गलत नेगेटिव बुरे विचार देता है उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते मन की आवाज, इस्लाम धर्म में कहते नफ़्स शैतान, और इंग्लिश फकीरों में थोड़ा हमें अजीब लगा, ग्रंथों में माइंड लिखा हुआ है जो कि सही, हमें नहीं लगा कि वो चीज सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पर ये दिखने में ये आया। तो माइंड नहीं है, मन एक अलग पावर है, एक अलग ताकत है, जो दिमाग को अच्छे नेक भले विचार परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ के विचार देता है, उसे हमारे हिंदू और सिख धर्म में कहते हैं आत्मा की आवाज, और ईसाई धर्म में कहते हैं रूह की आवाज, जमीर की आवाज, और उसे इंग्लिश फकीर कहते हैं वॉइस ऑफ सॉल या सॉल्स वॉइस, कुछ भी कह लीजिए, कैसे भी बोल लीजिए, आत्मा की आवाज, रूह की आवाज। तो दिमाग में दो आवाजें आ रही हैं, पर आज के दौर में एक आवाज यूं हुई पड़ी और एक बुलंदियों पे है। मन नफ़्स शैतान की आवाज सुनते जा रहे हैं आप, और जो आत्मा की आवाज आ रही है उसकी आवाज को आप दबाते जा रहे हैं। यकीन मानिए आदमी अगर मालिक से जुड़ जाए और फिर वो बुरा कर्म करने लगे, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं कि उसके अंदर से जरूर आवाज आएगी मत करिए गुनाह है, मत करिए पाप है, फिर भी अगर आप कर जाओ तो मालिक क्या करे। वो आवाज आत्मा की होती है, वो आवाज रूह की होती है। तो मन के पीछे मत चलो, मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा कि मन ही है जो ललचाता रहता, वहां जा
यहां नहीं मिला तो वहां जा, वहां नहीं मिला तो वहां जा। अरे सारे धर्म सही हैं, सारे संत पीर पैगंबर सही हैं, सारे पाक पवित्र ग्रंथों का एक एक शब्द सही है, फिर भी तुझे खुशियां नहीं मिल रही तो तेरे में कमी है। ढूंढता है तू परमात्मा में, यहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा, वहां वाला सही नहीं वहां वाला सही होगा। अरे अपने दिमाग को सही कर, अपने विचारों को शुद्ध कर। मन चंगा कठौती में गंगा। अगर विचार शुद्ध हैं, विचार पवित्र हैं, घर में बैठा भी वो मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं। और अगर मन में पवित्रता नहीं है, विचारों में पवित्रता नहीं है, सारी दुनिया घूम लो, वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। विचारों से, विचारों का शुद्धिकरण करना है। वो सबके अंदर बैठा नाम ध्यान ले, उसके नाम कलमा मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र का जाप कर, तो तेरे अंदर से वो महसूस होगा, तेरे अंदर से वो जरूर दिखेगा और तेरे अंदर जरूर ख्याल देगा वो। तो भाई मालिक की चर्चा जितनी करते जाएं उतनी कम है। कहीं भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा मिलता है, हम पिछली बार भी बोल रहे थे, सजदा करो, नमन करो। हम तो ये कहते हैं कोई इंसान भी मिलता है अंदर से नमन तो कर ही लिया करो, बाहर से मुंह से अगर राम राम सलाम नहीं बोल सकते कम से कम अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी तेरा अल्लाह वाहिगुरु राम बैठा है। और जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, उनमें उन संत पीर पैगंबरों की पाक पवित्र गुरबाणी वचन लिखे हुए पड़े होते हैं, जिनका कोई मोल ही नहीं है, जो अनमोल है, तो वहां सजदा नमस्कार करने से आपका कुछ कम नहीं होगा। यकीन मानिए, हो सकता है मालिक आपकी और खुशियां बख्श दे और रहमत कर दे। पर दिल से करो, बाहरी दिखावा चाहे मत करो, दिल से कर लो। तौबा करनी है बुराइयों से तो दिल से करो, दिखावे कर लिए, सांग धार लिया, ये वो, उसको दिखावा पसंद नहीं है, उसको शुद्धिकरण पसंद है। विचारों में शुद्धिकरण लाओ, ख्यालों में शुद्धिकरण लाओ। दिखावे में कुछ नहीं पड़ा, दिखावे में लोगों में जिद बढ़ जाती है, अरे यार ये तो वो है, ये तो मानी बात, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, पर उसको कैसे बनाएगा जो तेरे जैसे अरबों को दिमाग देने वाला है। इस दिमाग से उसको मूर्ख बनाना चला है, हो ही नहीं सकता, ये तेरा भ्रम है। तो इसलिए भाई कहीं भी रहो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, हाथों पैरों से काम धंधा करती है कर्म जोगी, मेहनत की कमाई हक हलाल कर्म करते रहो, और जीबा ख्यालों से मालिक का अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहो। यकीन मानो घर में भी बरकतें आएंगी और इस घर में भी बरकतें आएंगी, पता ही नहीं चलेगा, बीमारियां दूर होती चली जाएंगी, शरीर मजबूत होता चला जाएगा। तो प्यारी सत्संग जियो, आज आपकी हाजिरी लगवाते हैं, जो जो बैठे हैं आप उस परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में। फकीर एक माइक होता है, अब कुछ नहीं बोल रहा, हम बोलेंगे तो ये बोलेगा, आप तक आवाज आएगी। ऐसे फकीर एक माइक है, जैसी वो आवाज देता है इधर से निकलती है, वरना तो नहीं निकलती, यानी करने वाला वो है, हम तो कुछ भी नहीं। सो इसलिए हमारा काम, आपका नाम बोलेंगे, उसके चरण कमलों में, उसकी दरगाह में आपकी हाजिरी लगवाना है, आगे आपकी भावना के अकॉर्डिंग आपको फल मिलना है। ये तो सीधी सी बात है और सच्ची सी बात है, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। यहां ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इतना चढ़ा दो आपको स्पेशल आशीर्वाद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी भावना शुद्ध कर लो, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही उसका आशीर्वाद आ जाएगा, यकीन मानिए। सो आज जो लाइव पे बैठे हैं, गुरुमंत्र लेने के लिए भी बैठे हैं, चौधरी रिसोर्ट राजगढ़ रोड हिसार हरियाणा, आप उन्हें हाईलाइट कर दें जी। जी हाँ, स्क्रीन पे आप लोग आ गए हैं हिसार वालों, बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं गुरुमंत्र लेने वाले, नशा छोड़ने वाले, आज अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ने वाले। वाह वाह गजब, बहुत बड़ी तादाद है आप लोगों की, काफी दूर तक आप लोग नजर आ रहे हैं। हमारी बेटियों के हाथों में गुब्बारे हैं, सिर पे गागर जागो वगैरह मान लीजिए, और हाथों में गुब्बारे हैं, और हाँ सारा एक घुमा दीजिए, तिरंगे भी लहरा रहे हैं, दूसरी साइड भी कर दे भाई, भाइयों की तरफ। तो भाइयों के हाथों में भी गुब्बारे, तिरंगे,
सारे नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हो सारे के सारे। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के प्यारे माली के बच्चों, बहुत आशीर्वाद आपको। तो ध्यान दीजिए, सिर्फ पहले हमारी बात सुन लें, लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ दो बातें भाइयों की तरफ और दो बातें बहनों की तरफ आप कर सकते हैं, कीजिए। सुंदर है डेकोरेशन भी। दंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, तेरे आसरा बोलिए। जी आपका बेटा राकेश बजाज 45 मेंबर यूथ है, हरियाणा बोल रहा हूँ जी। बोलो बेटा जी। पिताजी आज ना हिसार में कई किलो में पंडाल बनाया, लेकिन पिताजी इस हिसार की साथ संगत की आगे और आपकी रहमत से वो भी छोटा पड़ गया, आज बुबुल का फूल भर गया जी। उसका रहमो करम, उसकी दया में रहमत। पिताजी आज रणवीर सिंह जी गंगवा डिप्टी स्पीकर सह परिवार कैबिनेट मंत्री विधानसभा पूरा परिवार आया हुआ है आशीर्वाद लेने के लिए जी। बहुत बहुत आशीर्वाद जी उनको, और अच्छे कर्मों में और आगे बढ़े, तरक्की करें, मालिक आशीर्वाद। सरदाना मेयर इशार है, ये भी बहन आशीर्वाद के लिए आई हुई है जी, उनको भी बहुत आशीर्वाद। डीएसपी महेंद्र सरसाना जी इशार से, ये भी अपने दर्शनों के लिए और आशीर्वाद के लिए आए हुए हैं जी। जी बहुत आशीर्वाद, आप हमें दर्शन दे रहे हैं, हम आपके कर रहे हैं, दोनों बातें हैं, आप हमारे कर रहे हैं तो आशीर्वाद। हसीना बहन सुखदुआ समाज से हिसार से पूरा सुखदुआ समाज के साथ आई हुई है। थोड़ा कैमरा वाले दिखा दिया कर भाई, जिधर जिधर जिसकी बात होती कम से कम कैमरा वहां ले जाया करो जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और गांव की पंचायतें पंच व सरपंच जिला पार्षद और पार्षद सारे आए हुए हैं जी आशीर्वाद लेने के लिए और गुरु मंत्र लेने के लिए जी। सबको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आप लोग जो खड़े हो गए हैं पंच सरपंच सारे के सारे, और मालिक से यही प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि आप लोग अपने इलाकों में एक क्रांति ला दें। खास करके हम हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने गाँव में से नशे को जरूर दूर भगा दें, जो हमारी आने वाली औलाद को पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, खात्मा कर रहा है, कमजोर करता जा रहा है। कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं गांव सत्र पे, तो आप सबसे यही गुजारिश है, प्रार्थना है, जितने भी गणमान्य लोग आप बैठे हैं, कि जरूर जरूर आप अपने अपने गांव में ये नशा, ये जो ड्रग है, इसका बंदी बंद करवाएं, इसे खत्म करवाएं। आशीर्वाद। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। रणवीर गंगवा जी बात करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज दिवाली से पहले दिवाली सभी संगत ने मना ली जी आपके आशीर्वाद से। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आशीर्वाद। ये हमारा सौभाग्य है जी, ये जो रिजोर्ट है ये भी मेरे हलके में भी है, गांव गंगवा के अंदर है। अच्छा अच्छा। और गांव गंगवा के अंदर आपने पहली बाड़ी के अंदर चाह मस्ताना जी महाराज जी ने खुद ने 1960 के अंदर यहाँ डेरे की नींव रखी थी, और आप भी आपके भी चरण पहले टिके थे, और आज आपने सभी संगत को वर्चुअल माध्यम से दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। आपके चरणों में यही विनती है कि हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस के हमारे जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहाँ मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं, ये आपका आशीर्वाद है जी। और परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें ये जी। बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। ताज संगत की तरफ से आपके चरणों में
बेनती करते हैं जी, और यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है समय समय के ऊपर, आप इसी दृढ़ यकीन के साथ और जिस तरीके से आपने बताया कि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके घरों में कोई कमी नहीं रहती, और आपके आपके जो आशीर्वाद है उसी का परिणाम है कि आज पूरी संगत यहाँ डेरे में ना आकर के यह रिजोर्ट करना पड़ा, क्योंकि वो डेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए इस रिजोर्ट के अंदर सारे आए हैं। मैं एक बार फिर से आपके चरणों के अंदर, क्योंकि मैं तो मेरा तो मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि मेरा तो संबंध डेरा से जन्म से है, जन्म से, इसलिए कि 1960 के अंदर आपने यहाँ डेरा बनाया, मैं तो 64 के अंदर मेरा जन्म हुआ था, माता जी भी आई है, पूरा परिवार आया हुआ है, और हमेशा ही तीनों बाडी के रूप में आपने यहाँ आकर के गांव में आकर के घर में आकर के दर्शन दिए, और आपका आशीर्वाद ये कि आज किसी तरह की कोई कमी नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद आपके तो बुजुर्गवार भी कब से जुड़े हुए हैं, आप तब छोटे थे सच है, बाद में पैदा हुए, तब जब छोटे थे तब भी आए, और बड़े हुए तो तब भी आए, और आप तो फिर और बड़े हुए हो तो तब भी आ गए हम और आपका आपके आशीर्वाद से सारा संभव है जी। मैं तो खुद 5 मेंबरी कमेटी के रूप में काम करता था, हाँ, बाद में कहते राजनीति के अंदर आ गया, तो 5 मेंबरी से के अलावा राजनीति के अंदर आकर के सेवा करने का आशीर्वाद आपने दिया, और जहां भी गया जो अपने आशीर्वाद से आज सफलता मिली है, और यही हाथ जोड़ के बेनती है जी, इसी तरीके से आप पूरी संगत पे आशीर्वाद बनाए जी। जी बिल्कुल, पूरी सत्संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद जो भी सत्संगत आई है, और मालिक जरूर सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, उनकी रजा होती है, रजा में राजी सो मर्द गाजी, जैसे वो चाहते हैं जैसे वो रखते हैं मालिक, वैसे ही संत पीर फकीर रहते हैं, और आप लोगों की इच्छाएं भी मालिक जरूर सुनेंगे और जरूर पूरी करेंगे। एसपी साहब बात करना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जी, कर लीजिए। आदरणीय गुरु जी आपको प्रणाम। प्रणाम जी, आशीर्वाद। बड़ा सुनहरी मौका है के मेरे गांव का आपका जो है शिष्य रमेश ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करवाया कि आपके मैंने वर्चुअल जो है दर्शन किए। जी जी, कोशिश करेंगे अब जहां भी होंगे हम आपके जो है ऑनलाइन नहीं बल्कि जो है फिजिकली जो है दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जो आपने आज जो शिक्षा दी है वो सारी मानवता के लिए है। जी बिल्कुल, सारी मानवता जो है इस पर आचरण करे तो शायद ये हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाए। जी बिल्कुल, मैंने 36 साल तक एक चौकीदार की भूमिका बॉर्डर पर जो है निभाई है बीएसएफ में, अभी मैं समाज श्री गंगवा साहब का मैं जो है आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे अपने साथ रखा और मैं इनका समर्थक हूँ, और आपसे अपील करता हूँ कि आप इसी प्रकार से स्वस्थ रहें और सारी जनता को ये जो है संदेश देते रहें। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आशीर्वाद। और सरसाना सरसाना गांव नड़वा लक्के के अंदर पड़ता है जी। अच्छा अच्छा, हमेशा ये साथ लग करके मदद करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है जी। जी बिल्कुल, आशीर्वाद आशीर्वाद। और हमारी तो जिंदगी का मकसद ही समाज का भला करना है, अभी जैसे हमने जिक्र भी किया था डीएसपी साहब की, भाई हर किसी का एक परिवार होता है, और संतों का परिवार तो जो भगवान अल्लाह मालिक परमात्मा की औलाद है वो सारा परिवार ही फकीर का होता है, तो ये तो हमारे खून की एक एक बूंद में भला मालिक ने करवाने के लिए लिख रखा है, करते ही रहना और करते ही रहेंगे, और जरूर मालिक रहमो करम करेंगे सबके लिए, ये चीजें होंगी। एडवोकेट प्रधान और बार के प्रधान रहे हुए अपने आंसी से जगदीर जी बात करना चाहते हैं। जी आशीर्वाद जी। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी हमेशा आपने मेरे ऊपर दया मेर रखी है, पिताजी मैं तो कुछ भी नहीं था, आपने ही बनाया हूँ जो कुछ हूँ, आज मैं ब्लॉक भंगीदास की सेवा कर रहा हूँ पिताजी। जी आंसी से। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद दो पिताजी। पूरा आशीर्वाद बेटा, जरूर बेटा। सारी संगत जुड़ के रहे पिताजी। बिल्कुल बेटा, आपकी ड्यूटी है बेटा, आप निभा रहे हैं, और मालिक तरक्की दे, हिम्मत दे आपको।
धन सतगुरु सारे सारे ब्लॉक को सारे हिसार को आशीर्वाद जी सारे को आशीर्वाद बेटा जितने जिम्मेवार हैं सबको आशीर्वाद सबको आशीर्वाद बहनों की तरफ भी अगर कोई बात करना चाहते हो तो माता बहनें बेटियां हमारी वो भी बात कर सकती हैं हाँ बेटा पिताजी हिंदू इंसान 45 मेंबर सिरसा से हाँ बेटा पिताजी पिंकी बहन है आज गुरु मंत्र लेना इन्होंने और गंगवा से 19 वार्डों की पार्षद ये बात करना चाहते जी बेटा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आसरा बेटा मैं पिंकी शर्मा पार्षद आजाद नगरी सार से हूँ गुरु जी जी बेटा और हमेशा इसी तरह भलाई के काम करते रहो गुरु जी बहुत अच्छा लगता हमें सभी को आप अपना आशीर्वाद अपनी कृपा और अपनी शक्ति बनाए रखना गुरु जी और मैं आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी मैं भी भलाई के काम करती रहूं और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बेटा हमें बड़ी खुशी होती है जब बेटियां भलाई के कामों में आगे आती हैं तो मालिक से दुआ करेंगे कि हमारी बेटी बहुत आगे बढ़े अच्छे काम करें सारी की सारी बेटियां बहुत ही आशीर्वाद बेटा आप सबको पिताजी ये मेयर है इंसार से ये आपसे ये भी बात करना चाहते हैं जी बेटा जी बेटा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आशीर्वाद बेटा पिताजी आपसे मिलने का मौका मुझे पहली बार मिल रहा है जी बेटा मेयर साहब आपकी हाजिरी लगाते रहते हैं वो हर बार आपके दर्शन के लिए आते हैं आज ये सौभाग्य मुझे मिला है क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगी कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे और सारी संगत को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ मेयर साहब की तरफ से धन्यवाद जी बेटा बहुत आशीर्वाद और हम मेयर साहब से कहेंगे वो जब आपके पास हो तब भी आपको लेके आया करें क्योंकि आप हमारी बेटी हैं अगर बेटा आ जाता तो बेटी क्यों पीछे रहे देखो आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हाजिरी जरूर बनी रहेगी जरूर बिटिया जरूर आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी आशीर्वाद तो अब बैठ और भी कोई शब्द की सुनाने चाहता है जी बिटिया सुनाओ एक छोटा लंबरदार पार कर जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद और हाँ बेटा बहुत अच्छा और फकीर तो नजरों से बाहर करते हैं ताकि आपके गम दुख दर्द खत्म हो जाएं तो आपके सुख शांति घर में आ जाएं क्योंकि उनकी नजर उस नजर से मिली होती है जिस जो किसी को नजर नहीं आता उनको नजर आता है जिनकी नजर उसके लायक बन जाया करती इसलिए वो अपने संत पीर फकीरों की नजरों से ही बाहर कह लो इतवार कर लोगे तो वो बार आपको दिख जाएगा क्यों करता है क्योंकि ताकि आपके आने वाले कर्म भी कट जाएं और आप सुख शांति से जिंदगी व्यतीत कर सकें मालिक की खुशियां ले सके तो बाकी और जगहों पे हाँ जी आप बैठ जाइएगा बेटा बैठ जाएं तिरंगे भी बड़े अच्छे लग रहे हैं गुब्बारे अच्छे लग बैठ जाएं बस थोड़ी सी देर आपके बाद में आपसे बात करेंगे गुरु मंत्र बताएंगे आपको इसके अलावा साध संगत जो बैठी है पूरी दुनिया में शास्त्रनामी धाम सरसा में है महाराष्ट्र में बैठी है हर जगह काफ़ी जगह मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश गुजरात पश्चिम बंगाल बिहार छत्तीसगढ़ उत्तराखंड यानी भारत में पूरे में लगभग सत्संगत बैठी है विदेशों में सिंगापुर फिलीपाइंस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा अमेरिका इटली जर्मनी पुर्तगाल फ्रांस स्वीडन नेपाल मलेशिया इंग्लैंड कुवैत यूएई अबू धाबी और कई जगहों पर देश में सत्संगत और विदेशों में यूट्यूब और जूम के साथ जुड़ी हुई है जी तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यारी सत्संग जियो ये जितनी भी सत्संग जुड़ी है यहाँ भी सेवादार बैठे हैं तीन चार महीनों में जिनकी शादियां हुई हैं कईयों का ख्याल था कि गुरुजी के सामने हार डालते क्योंकि हर धर्म का यहाँ आके हार डालता है
कोई दहेज नहीं होता, कोई ऐसा चक्कर नहीं, क्योंकि हर धर्म ने ये कहा है सास संगत जो होती है वो मालिक का रूप होती है, उसके सामने डालना मालिक को मान के, और फिर कानून तौर पर लिखा जाता है। तो इन तीन महीनों के दरमियान, चार महीनों के दरमियान शादी हुई हो और वो चाहते थे कि हमारे सामने करें लेकिन नहीं कर पाए, खड़े हो जाएं, तो बेटा आज से मान लेना कि आपकी शादी हमारे सामने ही हो गई, प्रसाद ले लेना, निशानी लेना, नारा लगा के बैठ जाइए बेटा। और आशीर्वाद लेने वाले इन तीन चार महीनों में जिनका कोई बच्चा हुआ है जिनके घर, यानी नई पौध आई है हमारी उस मालिक की प्यारी, तो वो खड़े हो जाएं, बाप या माँ सामने भी काफ़ी, हाँ जी खड़े हो गए हैं, इधर भी सेवादारों में भी हैं। तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि वो बच्चे भी आपसे बढ़ के उस मालिक के आशिक हों, प्यारे हों, खुश नसीब हों और अच्छे नेक इंसान बने। मालिक से प्रार्थना करते हैं, आपको आशीर्वाद कहते हैं। और नाम जो रखना चाहते हैं तो बुक का नाम जो हमने बनाई है गैस बर्ड्स माई नेम, तो उसमें से आप नाम रख सकते हैं। सोनारा लगा के बैठ जाएं बेटा। नए काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए नया मकान बनाया है, मकान की चाबी लिए बैठे हैं, गाड़ी की चाबी, पेन, प्रसाद, शादी के कपड़े लिए बैठे हैं, तो सबको आशीर्वाद। कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं पहले अच्छे काम का तजुर्बा ले लीजिएगा, फिर मालिक को याद करते हुए मेहनत कीजिए। अभी हम बोल के अटे हैं, हमारे हिंदू धर्म में लिखा हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मत मरना मद दे खुदा। तो आप हिम्मत करना, मालिक जरूर आपके काम में बरकत डाले। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। विदेशों से आए हैं, बाहर भी लाइव में भी, यहाँ भी अगर कोई आया है, आ रहे हैं लगातार सेवादार, तो आशीर्वाद बेटा, सारी साध संगत को आशीर्वाद आपके, बाद में प्रसाद ले लेना और मालिक खुशियाँ दे, नारा लगा के, हाँ जी सब लोग आप बैठ जाएं, सामने लाइव में भी बहुत लोग खड़े हैं, बैठ जाइए, आशीर्वाद आशीर्वाद। विदेश जाना चाहते हैं, लीगली तौर पे जाना, कानूनी तौर पे जाना, गैर कानूनी मत जाना बेटा, और अच्छे कर्म करना, कहीं भी जाओ किधर भी जाओ मेहनत करो, मालिक बरकत डाले तो वो खड़े हो जाएं, प्रसाद लेके जाना, बचनों पे पक्के रहना, मालिक साथ दे, आशीर्वाद आशीर्वाद, नारा लगा के सब लोग बैठ जाइए जी। और कोई बीमार है तो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके, हाँ प्रसाद कर लीजिए, उधर भी सामने ये प्रसाद देते हैं, यहाँ भी अगर कोई आए हैं, उधर भी जो हैं, तो अच्छे डॉक्टर से दवाई लीजिए, नहीं तो और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दवा ले लीजिए, नहीं तो अपने हॉस्पिटल हैं वहाँ गरीबों का इलाज फ्री है वहाँ से दवाई ले लीजिए, और साथ में मालिक की भक्ति बात करके दवाई लेना, दवा और दुआ दोनों काम करते हैं, सो मालिक खुशियाँ बख्शे आशीर्वाद। परिवार में कोई यहाँ से चला गया है, गुजर गया है, तो वो खड़े हो जाएं, बेटा जो मालिक की याद करते करते इस दुनिया से जाते हैं वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सतलोक सचखंड अनामी में जाते हैं, मालिक उनकी संभाल करते हैं, दुख जरूर लगता है जो पास से चला जाता है, सो प्रसाद देंगे आपको अलग से, प्रसाद ले लीजिएगा, मालिक आपको शक्ति दे, झेलने की ताकत दे और उस आत्मा उस रूह को भला करें, ये मालिक से दुआ करते हैं और आपको उनको आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद कहते हैं। और शास्त्र जी गिरने से पहले फिर फोर्स विंग का नया प्रसाद लेना चाहते हैं सेवादार, कुछ यहाँ पे हैं तो वो, और सामने भी शायद अगर कोई हो तो खड़े हो जाएं, हाँ जी इधर बहनें भी हैं खड़ी हो गई हैं सेवादार, भाई भी, तो आशीर्वाद बेटा, सेवा करना जोर शोर से, मालिक आपका साथ दे, नाम लिखवा लेना, वर्दी आपको मिल जाएगी, क्योंकि जहाँ भी प्राकृतिक आपदा आती है या कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है पूरी सृष्टि की सेवा के लिए ये बनाई गई शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, ऐसे सेवादारों की हजारों की तादाद में संख्या है, तो उनमें आप शामिल होने जा रहे हैं, बहुत गर्व की बात है, सुनारा लगा के बैठ जाएं, प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। और ये शाही जो बेटियां हैं, शाही बेटों ने नाम वाले जीवों के लिए दो बसों का इंतजाम किया है ताकि वो नशा छोड़ सकें, सो मालिक बहुत खुशियां दे बेटा आपको, बहुत बड़ी बात, मालिक से ओढ़ने पे दया में रहमत से नवाजे मालिक, बहुत आशीर्वाद हमारे वो बच्चे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है आज अब इस ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो बहुत आशीर्वाद बेटा, नारा लगा के बैठ जाएं, हाँ जी। तो अब नाम के लिए वो बिठाएं उनको, जो सत्संग दूसरी है उसको पीछे कर दें, और बाकी यूट्यूब और जितना भी जूम पे जुड़े हैं उन सबको आशीर्वाद। तो अब यहाँ के सेवादार से बात करते हैं, आप सबको आशीर्वाद जितने जुड़े हैं, एक बार आप बैठे बैठाएं, बाद में फिर जुड़ते हैं हिसार वालों आपसे, एक बार कट हो